मदद की है वो मेरे आपके पहले घातक गोट से दूर हूँ। कहा गया है कि न्यू कमर है मीटिंग में, तो उनको ताकत देने के इरादे से मैं कहना चाहूंगा कि 26 अप्रैल 1986 यानी आज से 34 साल और एक महीने के पहले वो शराब के पहले गोट से मैं दूर रहा था और आज तक मुझे वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ी है। उसके अंदर बहुत लोगों का योगदान है। मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस की जो फेलोशिप है इसको मैं हमेशा मेरा परिवार मानता हूँ। तो ये परिवार मेरे घर के खुद के जो परिवार है वो मैं जहाँ काम करता था वो मेरे एम्प्लॉयर्स उनका, मेरे साथ में मेरे जो रिश्तेदार मेरे दोस्त और जिन लोगों ने मुझे मेरी समस्या समझ के मेरी बीमारी को समझ के मुझे इसमें से बाहर आने के लिए और अभी तक ये सोबरिटी बरकरार रखने के लिए जो मदद की है वो मेरे स्पॉन्सर और मेरे हायर पावर ईश्वर, ये सभी की मदद से आज के दिन मैं शराब के पहले घातक गोट से दूर हूँ। मैं समझता हूँ कि ये ओपन मीटिंग है और इसकी वजह से कोई भी आके बैठ सकता है, मगर मैं पूछना चाहूँगा कोई महिला ऑब्जर्वर या तो एलनॉन या कोई हमारी मीटिंग में आज उपस्थित है तो जरा मुझे आप इंफॉर्मेशन दोगे तो अच्छा रहेगा। इज देयर एनी लेडी ए और एलनॉन और एनी ऑब्जर्वर लेडी ऑब्जर्वर सिटिंग इन दिस मीटिंग रूम टुडे? पूछने का कारण ये है कि ये मेरे परिवार में जब हूँ तो महिला अगर कोई है तो उसकी मर्यादा रखना आज मैं सीखा हूँ, और साथ ही साथ में हमारी संस्कृति भी हमें ये कहती है कि हमें जब जाहिर में पब्लिक में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ मर्यादा जो हम शराब पीने के टाइम पे गवा चुके थे वो आज मैं कोशिश करता हूँ उसको पालन करने की। एनीवे मेरा होम ग्रुप है ए सर्वोदय ग्रुप सूरत अल्कोहलिक एनोनिमस, मगर यहाँ सूरत में मैं 16 साल से यहाँ सेटल हुआ हूँ। उसके पहले बॉम्बे में था, मैं 18 साल मेरी सोब्राइटी बॉम्बे में गई और बॉम्बे में मेरा होम ग्रुप था ब्लेजी एंकर ग्रुप आम्बोली। तो कुछ ये 34 ईयर्स का जो प्रवास रहा है उसमें हमेशा उतार चढ़ाव एक सामान्य इंसान की जिंदगी में आते हुए से मेरी जिंदगी में भी आए हैं, और जो उतार चढ़ाव आए हैं उसमें कभी भी शराब पीने का ख्याल नहीं आया टचवुड, मगर ये उतार चढ़ाव के दरमियान जो ये पीरियड था वो पीरियड के अंदर मेरे जैसे शराबी को अगर ये 12 पायरी का कार्यक्रम नहीं होता तो शायद मैं जिंदा आपके साथ आज बात नहीं कर रहा होता। और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम 12x12x12 के अंदर पूरा समर्पित होता है मेरे जैसे शराबी के लिए, तो 12 पायरी है मेरे खुद की रिकवरी के लिए है, 12 ट्रेडिशन मेरी ग्रुप और मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए, और 12 कंसेप्ट है जो अल्कोहलिक एनोनिमस के जो हमारा बोर्ड है वो बोर्ड के अंदर हमको हमारी कैपिटल जो भी हमारी पॉलिसीज है वो पॉलिसीज वहाँ कंसेप्ट के जरिए हम बनाते हैं। तो ये मेरी जिंदगी है दोस्तों। आज अभी हमेशा हर मीटिंग में 12 पैरियों के बारे में बात होती है, यहाँ जब से ये ऑनलाइन मीटिंग चालू हुई है मैं भी बहुत सी जगह पे गया हूँ 12 पैरियों के ऊपर बात करने के लिए, ट्रेडिशन के ऊपर बात करने के लिए, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि यही इसकी वजह से तो मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। मगर ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि इतनी जब एक्सपोजर है तो सबको पता चलता है। मुझे कुणाल ने जब फोन किया तो मैंने बोला आप डिसाइड करो कौन से सब्जेक्ट, तो कुछ सब्जेक्ट मैंने उसको भेजे थे, बोला आप इसमें से ग्रुप कॉन्फ्रेंस से डिसाइड करो, आपको जो अच्छा लगे मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर मेरे अनुभव देने के लिए। अभी जो टॉपिक ग्रुप ने डिसाइड किया है पता नहीं क्यों किया है, वो ग्रुप कॉन्फ्रेंस से किया होगा, यूजफुल पर्पजफुल लाइफ यानी के उपयुक्त अच्छे इरादे की जिंदगी जीने का है। पर्पसफुल यानी मेरा मकसद, यूजफुल यानी यूजफुल पर्पसफुल लाइफ, तो मकसद मेरा क्या है, मेरा उपयुक्तता मेरी क्या है, और ऐसी जिंदगी जीने का अगर ये मेरा विषय आपने मुझे दिया है तो मेरी कमजोरियां तो बतानी जरूरी है। मैं शराब पीने के टाइम पे
मैंने बैक पाइपर पी या गोल्डन ईगल बियर पिया है, ये सब बातें जो हमारे दोस्त करते हैं, ये मेरा जो कालाकुट्टा भूतकाल, मैं तो गवर्नमेंट की दारू और देसी दारू पी के बड़ा हुआ हूँ शराब के मेरे 17 साल के अंदर, तो वो बातें नहीं करते हुए, जैसे हमारे एक हाउ इट वर्क पर कहते हैं कि अवर स्टोरीज डिस्क्लोज इन ए जनरल वे व्हाट वी यूज टू बी लाइक, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी आर लाइक नाउ. अभी ये जो स्टोरीज जनरल वे में अगर डिस्कस करनी है तो ये बिग बुक में मुझे कहा गया है. आप शराबी हो या नहीं वो तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा पहली बात. दूसरी बात, अगर आपको लगता नहीं है तो वो बिग बुक कहती है कि भाई बाहर के बाजू के बाहर में जाओ, आप पीने की कोशिश करो, अगर मुंह बंद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो सोचो कि आपकी इच्छा से आप चालू तो करते हो मगर बंद नहीं कर सकते हो, तो शायद आपको यह समस्या हो सकती है. अभी ये आइडेंटिफिकेशन की जो बात अल्कोहल के अनोनिमस में आती है, मैं एक हमारे दोस्त के मुंह से अभी रिसेंटली मैंने सुना, और दोस्त याने अपने लेडी एलेनॉन मेंबर है उसके मुंह से सुना, और मैं भी मानता हूं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं भी आया, मुझे भी कहा गया था, और ये गलत नहीं है कि भैया आप आते रहना, आपके दिमाग में दिल में जो भी कुछ है ना वो पूरा कचरा निकाल दो. नहीं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग डंपिंग ग्राउंड नहीं है यहाँ. मुझे, मैंने अगर बैक पाइपर पी है, कुणाल ने अगर दूसरी कोई विस्की पी है, तीसरी विस्की, हमारे इतने दोस्त जो जुड़े हुए, कितने रम पी है, कुछ भी पिया है, तो ये पीना जो है वो एक मेन है. आपको बताऊंगा कि मेरा शराब का प्यार कैसा है. मुझे जैसे अभी कुणाल बता रहा था कि हम जिम कॉर्बेट में थे, वैसे हमेशा मैं कन्वेंशन में जाने का मुझे अच्छा भी लगता है, एंड आई लाइक टू बी विद द ए मेंबर. तो मैं कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा मानसिक आकर्षण या शराब का प्यार कैसा हो सकता है. और शिमला कन्वेंशन था अपना कोटी में, और मैं बॉम्बे में सूरत में से दिल्ली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गया, और दिल्ली से रात की बस में मैं कोटी जाने वाला था दिल्ली से शिमला, और यहाँ सूरत से निकलने के पहले ऑलरेडी मैंने शिफ्ट ड्यूटी की थी, तो मैं रात को सोया नहीं था. पूरे शिमला पहुंचने तक मुझे सोने को मिला ही नहीं था, तो आई मीन दिल्ली पहुंचने तक. तो दिल्ली से बोला चलो स्लीपर वाली गाड़ी में सो नींद आ जाएगी करके बाय रोड निकला था. और ये जो शिमला पहुंचने के पहले जो मेकिन्स नगर आता है, नाम वो जगह का भूल गया है, मगर मेकिन्स की वहाँ फैक्ट्री है, और मोहन मेकिन्स की उस मेरे जमाने में जो मैं शराब पीता था, तो इतने साल यानी ये शिमला कन्वेंशन एंड मैं सोबर था. अभी वो मेकिन्स वाली जो जगह थी ना, वो निकल ना जाए उसके लिए पता नहीं, मैंने कंडक्टर को बोल के रखा था कि भैया ये प्लेस है, शायद उसका नाम भूल गया है मैं, अच्छा ही नाम है, शिमला पहुंचने के पहले ही आता है. तो मैंने बोला ये जगह आएगी ना तो जरा उठाना, कुछ काम नहीं था कुछ नहीं. कंडक्टर बोला साहब कुछ चाय बाय पीने का है, कुछ चाहिए? बोला नहीं ऐसा नहीं है, बस खाली उठा देना. उतरने का है बस में, बोला कुछ नहीं, और मैं सो गया था. अब पता नहीं जैसे वो मोहन मेकिन्स की वो फैक्ट्री आई और मेरी नींद में से नींद खुल गई, और वो फैक्ट्री को देखा तो मैंने भगवान को धन्यवाद अदा किया कि थैंक यू गॉड कि आपने ये फैक्ट्री मेरी चली जाती तो मेरे को देखने को नहीं मिलती. व्हाट टाइप ऑफ, इसको आप इंसेनिटी गिनोगे, इसको शराब के प्यार गिनोगे, या शराब के मेंटल ऑब्सेशन? इतने साल के बाद जब भी मैं ये बात कर रहा हूँ तो 10 साल पहले तो 24 साल की सोबरेटी होगी मेरी, तो ये 24 साल के बाद भी वो मेकिन्स में कभी दारू नहीं पिया, खाली यहाँ तो बनाते थे. वो मेकिन्स की फैक्ट्री को मेरे को इतना लगाव क्यों था, ये इसका जवाब मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस के ये लिटरेचर में और आप लोगों ने अनुभव में दिया. तो अनुभव ये था कि मानसिक आकर्षण की बात करते हैं तो ये मैंने मेकिन्स जाके वो मोहन मेकिन्स पी या कौन सी पी, कैसी पी, गवा दारू पी, क्या पिया, उससे मेरे को कुछ रहेगा आइडेंटिफिकेशन नहीं बनने वाला. इसके लिए कहा है कि अवर स्टोरीज डिस्क्लोज इन ए जनरल वे. तो मेरा कालाकुट्टा भूतकाल मेरा है, नए भाई को जिंदगी दे सकता है, मैं भी मानता हूँ दोस्तों, मुझे किसी ने जिंदगी दी है. तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ड्रंकलॉट बात करनी ही नहीं चाहिए, मगर देखता हूँ मैं कि कोई न्यू कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अगर मैं वो ड्रंकलॉट की बात करूंगा तो वो मीटिंग बोरिंग लगेगी, तो
वो एक ही बात करेगा, मैं कहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे शेयरिंग में बुलाया गया, तो बाकी के मेंबर को मालूम है कि उमेश क्या बात करने वाला है। तो विविधता शेयरिंग में नहीं चाहिए, मगर मैं जो समझा हुआ हूँ वो किस तरह से उसको मेरे अनुभव के जरिए मैं मीटिंग रूम में अगर सामने रखूँ, तो जो सर्व का कल्याण कॉमन वेलफेयर की बात होती है ना, तो उसमें मेरे दोस्तों को शायद मेरी शेयरिंग की वजह से मैंने क्या समस्या थी उसके अंदर कैसे समझा और कैसे मैंने उसमें बाहर निकलने की कोशिश की या उसका सामना करने का मुझे किस तरह से राहत मिली, वो जब बातें करता हूँ ना दोस्तों, तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उपयुक्तता कार्यक्रम की और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो भी कुछ मैं सुनता हूँ जो मेरी जिंदगी में काम आता है, मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता है, तो उसकी वजह से जो एक पॉजिटिवनेस जो कहते हैं मेरे मेरा अपनापन जो कहते हैं वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे आने लगा। मगर शराब बंद हो गई यानी मेरी रिकवरी चालू हो गई, ऐसा मेरे अनुभव से मैं तो नहीं मानता हूँ। तो मैं अल्कोहलिक था और अपने आप को मैं अलग समझता था। मैं मीटिंग में जब आया मुझे 5 साल लगे दोस्तों वो फर्स्ट स्टेप का पहला आधा मान्य करने का कि मैं शराबी हूं और दारू की ताकत मेरी ताकत से ज्यादा हो गई। 5 साल के अंदर मैं इतनी कीमत चुकाई है, ये मेरा शराब का प्यार ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था शराब मेरी समस्या नहीं है, बाकी के लोग मेरी समस्या है, मेरे घर वाले मेरी समस्या है, मेरी पत्नी मेरी समस्या है, मैं जहाँ काम करता हूँ वो सब, यानी कि ब्लेमिंग अदर्स का जो एटीट्यूड था, और ब्लेमिंग अदर्स यानी मैं ये क्यों सोचता था क्योंकि मैं स्वार्थी था, और अगर मैं स्वार्थी था मेरा स्वार्थ एक ही था मुझे शराब पीनी थी, और शराब पीने की वजह से ये जो बातें जो होती थी वो मुझे तो ये में आने के बाद ये टर्मिनोलॉजी पता चली। मैं ग्रेजुएट हुआ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, वहाँ ग्रेजुएशन के अंदर ही स्पिरिचुअल बैंकरप्टसी या पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ वो ये सब बातें मैं नहीं एजुकेशन में मैं पढ़ा हूँ। मैं ग्रेजुएट हो गया, कॉमर्स ग्रेजुएट हो गया, वो बुक कीपिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब बातें। तो ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मैं आया और मुझे ये भाई जो बात करते थे ना, तो दैट वाज एजुकेशनल वैरायटी इन लोग कहते थे कि एक के अंदर का जो कार्यक्रम है इट इज एन एजुकेशनल वैरायटी। एजुकेशनल वैरायटी यानी अलग अलग तरीके से मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो शैक्षणिक दान मिलता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद से जब दूसरा भाई मेरे से शेयर करता है उसके अनुभव में उसने किस तरह से सामना किया है, क्योंकि ज्यादा करके हमारा अल्कोहलिज्म अगर एक है तो हमारे अनुभव थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, मेरा 50 का नुकसान हुआ होगा तो शायद कुणाल भाई का 1 लाख का हुआ होगा, दूसरे हमारे दीप भाई है तो दीप का 5 लाख का हुआ है, मगर नुकसान ये इंपॉर्टेंट है, और ये नुकसान क्या हुआ है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे सीनियर्स ने मदद की, मीटिंग ने मदद की, मेरे कार्यक्रम ने मदद की, और ये पूरा कार्यक्रम आइडेंटिफिकेशन है ऐसा मैं मानता हूँ। तो अभी ये बीमारी समझने को 5 साल क्यों लगा मुझे दोस्तों, जब मैं जानता हूँ कि मेरे 17 साल की जो शराब पीने का मेरे जो पीरियड रहा है, पहले ही दिन 1969 में जब मैंने शराब पी तभी मैं ब्लैकआउट में चला गया था, तो और 17 साल मेरे को ये समस्या है वो मानने को तो कभी विचार भी नहीं आया। तो मेरी स्पिरिचुअल बैंकरप्टसी का लेवल कितना था, तभी मैं एसएससी में था, मेरी एजुकेशन की लाइफ बनने वाली थी, मेरी जॉब के लिए नौकरी मुझे अच्छी मिलने वाली थी, और ये सब कुछ चीज मुझे करनी है क्योंकि मुझे मेरे लिए ये सब करनी है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी मेरे पे ये सब दबाव ला के मुझे ये करने को लगा रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि मटके में ऐसे अच्छे पैसे मिलते हैं, जुए में अच्छे पैसे मिलते हैं, मैं बॉम्बे में रहता था बचपन से बड़ा हुआ, तो हॉर्स के जो घोड़े की रेस चलते थे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, मगर जो कुछ है वो मान्यता बहुत से दोस्त शेयर करते हैं, बोलते हैं कि ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले ने ऐसा पूछा कि तेरे को नीचे भेजा था तो सब कुछ करके आए या कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, व्हाट नॉनसेंस, इसको पागलपन नहीं तो क्या कहेंगे दोस्त। और वो पागलपन मेरे हाथ भी था, मुझे ऐसा लगता था मेरे जमाने में स्मगलिंग ब्यूरो में था तो स्मगलिंग के अंदर घुस गया, आई एम कमिंग फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड फैमिली, मेरे घर के अंदर कोई शराब नहीं पीता है, मेरे पिताजी ने जो एजुकेशन किया बेचारे वो बोलते थे अपने हमेशा हमें एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताते थे,
बलसार के निजर गांव में वो बेचारे नदी पार करके उनको के पुस्तकें वो सर पे रख के नदी क्रॉस करके स्कूल में जाते थे, चलते जाते थे। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं रहते थे, कभी पैसे दिए तो वो नाव में बैठ के जाते थे, नहीं तो चल के पैदल जाते थे। मेरे पिताजी का अनुभव था दोस्तों, और मुझे लगता था मैं फटीचर घर में पैदा हो गया हूँ। मुझे तो उस टाइम पे जो स्मगलर्स थे, एक शुक्रवकिया करके थे, फिर वो हाजी मस्तान का कुछ अलग था, और ये सब मुझे भगवान लगते थे। तो यानी कि मेरी सोच का कोई ठिकाना ही नहीं था, और उस हिसाब से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और आप लोग भी शायद सुनते होंगे दोस्तों से कि भाई अल्कोहल वॉज जस्ट अ सिंबॉल, यानी कि शराब खाली एक निशानी थी। हाँ, जो समस्या आई थी वो मैंने खुद खड़ी की थी। अल्कोहल वॉज जस्ट अ सिंबॉल, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई मी, इट वॉज नॉट अल्कोहल। और दोस्तों यहाँ आने के बाद इन लोगों ने कहा कि देखिए आपकी जिंदगी में जिंदगी के महत्वपूर्ण चीज कौन सा डिपार्टमेंट आपका शराब से डिस्टर्ब हुआ है वो देख लो, और अगर वो डिस्टर्ब हुआ है तो जिंदगी के महत्वपूर्ण चीज शराब ने आपसे छीन ली के नहीं देखो। और मैं मानता हूं इतने साल के अनुभव के बाद, चाहे पैसे वाला कोई दोस्त हमारा एए में आता है, या कोई गरीब आता है, या मिडिल क्लास आता, कोई भी आता है, ए के बाहर ए में आने के पहले वो बाहर अपनी कीमत चुका के आता है दोस्तों। और इसके लिए तुलना मत करो जब कहा जाता है। तो ये बीमारी तीन तरह से मुझे मारती है बीमारी एक्चुअली दो भाग की, मेंटल ऑब्सेशन एंड फिजिकल एलर्जी, ये दोनों भाग की बीमारी है। और उसमें से कैसे मैं फंसा हुआ मेरे जैसे शराबी जो कैसे है स्पिरिचुअल बैंकरप्टी, और स्पिरिचुअल बैंकरप्टी मेरी जो है वो मुझे उसके ऊपर अल्कोहलिक चांस का कार्यक्रम हेल्प करता है। मेरी मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एनर्जी, ये दो प्रॉब्लम के लिए शायद मेडिकल फील्ड वाले मुझे मदद कर सकते हैं। मुझे कैसे एम है कि मुझे डॉक्टरगिरी नहीं करनी है, मुझे भगवान नहीं बनना है, मगर ये लोग मुझे मदद कर सकते हैं बाकी की दो चीजों में, और तीसरी चीज में मुझे अल्कोहलिक अनॉनिमस मदद कर सकती है। ये मेरा कन्विंस, मैं कन्विंस हुआ हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं मानता भी हूँ। तो जब मैं ये सुना कि भाई मीनिंगफुल थिंग इन योर लाइफ, मीनिंगफुल मेरा एजुकेशन छीन लिया दोस्तों शराब ने, मेरी जो ये विचारधारा थी, मैंने बॉम्बे के अंदर इलीगल जॉइंट अपने नाम से चलाने का प्रयत्न किया दोस्तों। आई गॉट माई सेल्फ इन्वॉल्व विथ ऑल द पीपल ऑफ दिस टू नंबर गैंग, और उसके अंदर मुझे मेरी इज्जत की वाट लग गई, उसका मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी तो छोड़ो, बट माई पेरेंट्स, माई फादर वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन नॉट ओनली इन एयर इंडिया बट अदरवाइज ऑल्सो, एंड ही कुड नॉट रेज हिज हेड एंड गो इन द फ्रॉम माई सोसाइटी टू द वर्क एंड एवरीवेयर। इस तरह से सब मेरा खत्म हो चुका था दोस्तों। तो ये जो मीनिंगफुल चीज जो होती है उसके अंदर, टिल टूडे मेरी 78 में शादी हुई थी, आज अगर गिनते हैं तो 78 यानी 42 ईयर्स हुए, आज तक मुझे मेरी शादी याद नहीं है दोस्तों। मेरे बच्चे का जन्म 79 में हुआ था, तो वो भी आज 40 का हो गया, 41 का हो गया, उसका चेहरा मुझे याद नहीं जब वो पैदा हुआ था। और ये जब बातें आज मैं कहता हूं तो आज भी मुझे उसका दुख होता है, मगर ये कहने की जरूरत इसके लिए है कि जो है मेरे बारे में सच है वो यही है। और ए में कहते हैं कि ट्रुथ विल सेट यू फ्री, तो जब ये बातें होती है दोस्तों तो मीनिंगफुल। अभी शादी याद नहीं, यानी क्या, शादी के दिन जो मेरी जिंदगी बनाने वाली है उसके अंदर मेरी आध्यात्मिक अवनीति की जो बात कार्यक्रम करता है, तो क्या थी मानसिकता, क्या थी मेरी, मेरी मानसिकता ऐसी थी, मैं तो कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। फेब्रुआरी में शादी हुई थी दोस्तों बम्बई में, और वो टाइम पे तो इतना पोल्यूशन नहीं था, तो अच्छी ठंडी भी काफी अच्छी थी, और पूरे हाथ कांप रहे थे। दोस्तों ने सोचा कि इसको थोड़ी पिला देंगे, और थोड़ी पिलाने के चक्कर में मैं बाद में वो एलर्जी जो ग्रिप करती है, तो मुझे वो ब्लैकआउट था, तो याद ही नहीं मेरी शादी दोस्तों। मुझे ये याद नहीं कि जिंदगी की मैं सफर चालू करने वाला हूँ, वो सफर में मैंने तो मेरी पत्नी को जब देखा तभी उसको भी मैंने दारू पी के फुल टाइट होके देखा था। और
इसको हम अगर बाहर के जग में ये बातें करूंगा तो इट इज नथिंग बट चीटिंग, इट इज नथिंग बट चीटिंग। माँ बाप को एक ऐसे ख्याल रहते हैं कि मेरा बच्चा सुधर जाएगा, उसकी शादी करवा देंगे, मगर मेरी खुद की बहन को अगर दूसरी जगह पे कोई पीने वाले खानदान में देना है तो वो मैं कभी भी तैयार नहीं होऊंगा, मगर दूसरों की बेटियों को लाने के लिए तैयार होऊंगा। तो इससे बड़ा पाप, और ये मैंने किया है दोस्तों। और इसके बारे में जब हमको वो गिल्ट बोलते हैं, वो गिल्ट किस तरह से मारता है, जब ए में हम ये कार्यक्रम के ऊपर स्पॉन्सर के साथ जब चलने की बात करते हैं तब, और ये मेरे से हुआ है दोस्तों। और ऐसी परिस्थितियां, बेटे का जन्म हुआ, तो बेटे का जन्म हुआ तो ऑफिस में सब लोगों ने कहा, अरे मैं बॉम्बे में था, एयरपोर्ट पे था, तो नाइट शिफ्ट में था, सबने बोला अरे तू बाप बन गया है, चलो अभी मंगा उतारो पियेंगे। तो दूसरा अगर कोई होगा, बाप होगा, तो वो पहले हॉस्पिटल में जाएगा, शायद उसकी वो रात को उसको बीबी को पेन आया होगा, तो पहले से ही वो हॉस्पिटल में मौजूद रहेगा। वो तो छोड़ो, मगर उसका जन्म हो गया, सब कुछ हो गया, बाटली पी के फुल टाइट, सुबह को 4:30 बजे फुल पी के टाइट होके मैं हॉस्पिटल में गया था मेरे बेटे को देखने को। तो ये जो मीनिंगफुल बातें हैं ना दोस्तों, इसके करने के पीछे अल्कोहलिज्म का जो इज्म है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अगर मैं समझूंगा नहीं, ए में आने के बाद 12 पायरी के बारे में मैं दोस्तों के साथ बैठूंगा, वो सेशन में बैठूंगा, बिग बुक के सेशन में सब कुछ बैठूंगा, मगर जब तक मेरा कोई मार्गदर्शक या मेरा ऐसा दोस्त ए में होगा जो मुझे मेरी जिंदगी के अंदर उसने जो अनुभव किए वो बताएगा नहीं, तो कहा है, मैं नहीं कहता हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थियरी, यू हैव टू लिव इट, यानी आपको जीना है, यानी कि मुझे प्रैक्टिस करना है आध्यात्मिक लाइफ। अभी आध्यात्मिक शब्द मेरे जैसे बेवड़े के लिए बहुत बड़ा है, अभी मेरे बच्चे का बचपन मुझे याद नहीं। मैं सही में कहता हूँ दोस्तों, मैं मेरी फेलियर ज्यादा शेयर करूंगा, जिसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये एक ही जो प्रोग्राम है मेरे को लेने की जरूरत क्यों है, और यहाँ मुझे कैसे आप तुलना मत करो। दोस्तों मेरे बेटे को जब छोटा था, वो पैदा हो गया, वो जब तक वो स्कूल में पढ़ा और बाद में बोला मुझे नहीं पढ़ना है, तब तक दोस्तों मैं कभी भी उसके स्कूल में उसके बाप के हिस्सा तौर पे मैं गया नहीं हूँ। आई हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई सन। और इतने सालों में ये सब करने के बाद जब 81 में मैं ए में आया, तो मुझे लगता है कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से ऐसा होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, और ये सब जब अल्कोहल कानून में आने के बाद आज उसकी कीमत मुझे समझती है। नहीं ऐसा नहीं, आज बेटे के साथ जो भी रिश्ते अच्छे है, ही इज नाउ 41 ईयर, मगर जब उसको गोद में लेके घूमने की एज थी तब उसके पिताजी उसके पास चाहिए थे, वो नहीं था, ये बात दुख की है। आज आज भी हार्ट रोता है, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के अंदर जो ये सब मान्य करना, मेरी जो कैरेक्टर डिफेक्ट, यानी मेरी कौन सी कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से मेरे कौन से व्यक्तिगत मेरे रिश्तों के अंदर दरार आई है, कौन सी मेरी ये स्वार्थीपना था, सब ये स्वार्थीपना था, ये इसकी वजह से मैं सेल्फिश डिसऑनेस्ट, मैं डिसऑनेस्ट था। उसको प्यार कैसा, मैं मेरे बच्चे का प्यार पाने की कोशिश करता था, पी के टाइट हो के सुबह को उसके लिए चॉकलेट लेके जाओ, शाम को वापस चॉकलेट लेके जाओ, घर के अंदर उसको दूध के पिलाने के पैसे नहीं थे, तो मेरी बीवी सुबह को जो मैं चॉकलेट लेके जाता था वही चॉकलेट वही दुकान में जाके आधे भाव में वापस देते थे और दूध लेके आते थे। तो ये बॉटम है अल्कोहलिक एनोनिमस का, पहला स्टेप जो मुझे बॉटम की बात करता है, ये बॉटम है मेरा, समझा। और ऐसे इंसान को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद वापस सुधरने का मौका मिलता है, और ये मेरे को अकेले को नहीं मिला है, असंख्य लोगों को मिला है दोस्तों। तो मैंने बताया कि मेरे बेटे के लिए मैं बाप करके कुछ नहीं किया, एयर इंडिया में काम करता था, 76 में एयर इंडिया में लगा, 86 तक 10 साल के अंदर बाप भी मेरे एयर इंडिया में थे, पिताजी उसकी तो इज्जत की वाट लगा दी तो लगा दी, मगर साथ ही साथ में 86 तक अल्कोहलिक कानून से 10 साल में दोस्तों सही में बोलोगे ना तो एक एम्प्लॉय, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय तक के कुछ भी काम नहीं किया दोस्तों। तो मेरा एक फील्ड था जो जिस कमर्शियल, या तो हम हमारे
रोजी रोटी का फील्ड समझते हैं वो खत्म हो चुका था, दूसरा मेरा पारिवारिक फील्ड है वो खत्म हो चुका था, और तीसरा जो है मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया 81 में, मगर 5 साल में ए में नहीं रहा, और दारू पी के यहाँ से जो कुछ मैंने सुना था उसका उल्टा मैंने मेरी जिंदगी में आचरण करने की कोशिश की, और उसकी वजह से जो मेरी जिंदगी थी, आप समझ सकते हैं कि इसको बोलते हैं कि अल्कोहलिक इज जस्ट लाइक अ टॉर्नेडो, ये हमारे बिग बुक का और मेरा सबसे प्रिय ये सेंटेंस है दोस्तों। अभी लास्ट हफ्ते में ही जो बड़ा टॉर्नेडो आने वाला था, लकीली मुंबई भी बच गया, सूरत के बाजू में से जाने वाला था, हम लोग भी बच गए, मगर वो टॉर्नेडो अगर आता है जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हुआ दोस्तों, वो हमने अनुभव किए है, तो उसके साथ अगर बिल डब्ल्यू ने हमारी तुलना की है तो आप सोचो कि एक टॉर्नेडो आता है तो रोरिंग थ्रू लाइफ ऑफ नियर एंड डियर वन, मेरे नजदीकी रिश्तों के अपरूटेड यानी कि वाट लगा दी थी, जमीन से अंदर से खींच के उखाड़ फेंके थे मेरे रिश्ते, ये शराबियत की वजह से दोस्तों। ए में आने के बाद ये सब के सामने देखने का मेरा कोई जजरिया नहीं था, मुझे कोई जरूरत नहीं लगती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरी मानसिकता जब 86 में आया तभी तो मैं फिजिकली खत्म हो चुका था दोस्तों, और उस टाइम पे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। एक वाक्य वो उस टाइम पे वापस मैं मीटिंग में आया तो मैंने पढ़ा था, बिलीव एंड लिव डाउट एंड डाई, तो वो एक तो बात थी, दूसरा था कि जॉय ऑफ मेइंग मेड मी जॉय ऑफ मे सॉरी फियर ऑफ डाइंग मेड मी ड्रिंक एंड जॉय ऑफ लिविंग मेड मी सोबर, ये दो वाक्य ने मुझे आज तक दोस्तों बरकरार रखा अल्कोहलिक कहा। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, ये जो मेरे टॉर्नेडो के साथ मुझे क्यों कंपैरिजन की गई है दोस्तों, मैं सोचूंगा ना तो मेरा जो डिनायल मेरा था खुद का डिनायल, 2.5 साल तक मैंने प्रोग्राम के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, सजेस्ट करेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है दोस्तों, और जब ये टॉर्नेडो के बात मैंने सुनी ना, मेरे स्पॉन्सर ने बताया देख उम्मीद सभी तेरे हाथ में, तेरे क्या करना है, स्पॉन्सर को जबरदस्ती नहीं करेगा, चल बैठ जा आज से वो हाथ में चाबुक लेके कि आज से बेटा तेरा पहला स्टेप चालू दूसरा चालू, ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा देख भाई मैंने किया है तेरे को करना है तो कर। और ऐसी परिस्थिति के अंदर दोस्तों मैं जब मैं 88 में दोस्तों मैंने ये पहरी के ऊपर ध्यान देने का चालू किया, मेरा तकदीर अच्छा है कि बॉम्बे में उस टाइम के जो भी सभासद थे उनका सीरियस बिजनेस था, वो खाली बार पहरी के कार्यक्रम के बारे में बात नहीं करते थे, वो बात करते थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग का महत्व, दूसरी जगह पे जाके मैं क्या सेवाएं दे सकता हूँ उसका महत्व समझाते थे, उसके अंदर हमको इन्वॉल्व करते थे, और इसी के साथ एक अंदर जिम्मेदारियां जो मुझे मैं ले सकता था वो देने की उन्होंने कोशिश की, और जब ये सब होते गया शुरू से ना तो मेरी जो यूनिटी सर्विस रिकवरी का जो ट्राइंगल है ना उसके अंदर रिकवरी में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे हेल्प की, और दूसरा स्पॉन्सर अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो भी कुछ कर सकते थे वो करते थे, उन्होंने कभी सर्विस के लिए मुझे रोका नहीं, मगर वो जो करते थे वो मुझे उनके साथ लेके जाते थे, और उसी तरह से वो मेरे स्पॉन्सर होने के नाते मुझे ये 12 पहरी के कार्यक्रम के बारे में टॉर्नेडो से लेके जो उन्होंने चालू किया वाला पहली 3 पहरी जो है वो मैं मानता हूँ तेरे को समझ में आती है, जहां डिनायल आता है फोर्थ स्टेप लेने को, और फोर्थ स्टेप लेने के टाइम पे मेरे ये मैं एक्चुअली 12 पहरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, देन आई विल गो टू माई एक्सपीरियंसेस। तो फोर्थ स्टेप के बारे में जब मैं लिखता था तो मेरे स्पॉन्सर मेरे घर में वो मेरे रिश्तेदार में भी लगते थे, मैं घर में मेरी वाइफ को बोला था कि देख ये उमेश फोर्थ स्टेप लेता है, पत्नी होने के नाते कितनी भी तेरे को इंक्विजिटी आएगी मगर वो क्या लिख रहा है वो तेरे को देखने की जरूरत नहीं, और पता चला कि घर में से किसने भी वो देखा है और उसके बाद उसके जो भी परिणाम आएंगे उसके लिए जिम्मेदार उमेश भी नहीं रहेगा मैं भी नहीं। तो इस तरह से मेरे घर वालों को इसके प्रोग्राम का महत्व क्या है वो मेरे स्पॉन्सर ने समझाने की कोशिश की है, जरूरी नहीं कि हर स्पॉन्सर ऐसा करेगा, मैंने कहा कि वो मेरे नजदीकी रिश्तेदार थे तो वैसे घर वाले उसके उनको वैसे भी पहचान रहे। अभी इस परिस्थिति में दोस्तों अभी ये मेरी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण चीज शराब ने मुझसे छीन ली थी तो उसी तरह से अभी मुझे उपयुक्त जीवन जीने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने कहा
यू हैव बीन अ सेल्फिश पर्सन, जब पोस्ट है मैंने लिखा बोले तेरी जैसे स्वार्थी और कोई नहीं, मगर हम ए मेंबर सब स्वार्थी हो कह के उसने मुझे वो गिल्ट फीलिंग में जाते रोक लिया कि बेटा तूने जो किया है वो हम सब ने किया है, डिग्री ऑफ लेवल विल बी डिफरेंट, तूने कुछ थोड़ा कुछ बहुत ज्यादा कुछ कम किया होगा, बाकी की जगह पे हमने कुछ ज्यादा किया है तुमने कम किया है, सो दैट इज नॉट द थिंग, द थिंग इज दैट कि यू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तू एक स्वार्थी इंसान है, तू दूसरा खाली सेल्फिश नहीं है, तेरा सेल्फ सीकिंग मोटिव हमेशा रहते हैं, तो सेल्फ सीकिंग मोटिव आप देखो कुछ भी अच्छा काम मैं शराब पीने के टाइम में करता था तो मुझे लगता था कि एवरीबडी शुड अप्रिशिएट, शराब से दूर होकर ए में कुछ करने लगा तो मेरा कॉलर ऊपर होता था और मैं चाहता था कि दूसरे लोग मुझे मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, घर में भी अगर मेरे बेटे को कुछ लाके दिया तो घर वाले सब ने बोलना चाह रहे वाह उमेश कैसा है, तो पहले तो कुछ करता नहीं था अभी ये करता है वेरी गुड ये वो सब, तो ये जो है वो सेल्फ सीकिंग और डिसऑनेस्ट मोटिव, बेवड़े के अच्छे मोटिव यानी कि ऑनेस्ट मोटिव कहाँ थे, और इसके लिए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया कि उमेश हाउ जो है HOW उसमें पहला ही वर्ड ऑनेस्टी है, एंड दैट ऑनेस्टी कम्स इनटू अल्कोहलिक्स एनोनिमस विद यू, मरेगा तब तक जाएगा तेरे से हो सकता है उतना ऑनेस्ट रहना, मगर 100% ऑनेस्टी शराब के अंदर तो होनी ही होनी है, तो उस तरह से उन्होंने मुझे जो ये कार्यक्रम दिखाने की चालू की, तो अभी मैं आ जाता हूँ कि आपको पता चला कि हर एक शराबी के जिंदगी के तीन पहलू होते हैं, वन इज मेरा जो पर्सनल लाइफ है उसकी मैंने वर्ड लगा दिए, दूसरी मैं पर्पसफुल लाइफ जीने की जो बात कर रहा हूँ तो वो कभी मैं जिया नहीं हूँ, मेरी डायरेक्शन लेस मेरी जिंदगी थी, तो अल्कोहलिक साउंड ने एक कार्यक्रम ने जो चौथी पांचवी पहली के बाद जो हम अमेंड करने की बात करते थे ये सब बहुत है, तो अभी जैसे मैंने कहा कि मेरी पत्नी का मैंने चीटिंग करके शादी की थी, तो वो शादी मैंने जो की थी उसमें चीटिंग किया था, वो घर वालों को तो मैं अगर बोलूं कि मैं अभी मेरी वाइफ से माफी मांगना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने गलती कर दी मुझे माफ कर दी वो सब, तो स्पॉन्सर ने कहा गधे तेरे साथ इतना साल रही ना वही उसने माफ कर दिया समझ के चला गया, समझा यू के नॉट आस्क हर माफी, पहले साल सोब्रिएटी के अंदर मैंने सबके सामने बोला था हमारा बम्बई में वो टाइम पे ट्रेन था कि माफी मांगते थे बीबी की ओपनली मीटिंग में बर्थडे के दिन, और फिर उसके पैर भी छूते थे और मैंने भी छुए थे पैर, मगर दिल में कुछ भावना नहीं थी पैर छूने के पीछे, तो स्पॉन्सर ने बाद में पूछा कि ये सब करते तू कि बोला हाँ वो सब लोग ने करते मैंने भी किया और सबके सामने तो बोल रहा है मैं माफी मांगता हूँ ये वो सब, बोला ये हमारा माफी मांगने की जो बात है ना यू शुड डू इट विथ योर इम्प्रूव बिहेवियर, तेरी पत्नी के साथ बिहेवियर के साथ तू माफी मांगना तो तेरा पहले का बिहेवियर है वो इम्प्रूव कर, तो पहले का बिहेवियर सेल्फिश था वो सेल्फिश में थे, मैंने तो कभी जिंदगी में कभी कुछ मेरी वाइफ को पीने के टाइम पे लाके दिया ही नहीं, मेरा घर संसार उसने चले है तो मैं तो कुछ लाके गिफ्ट देने का ये तो सवाल ही नहीं आता था, तो मैं स्पॉन्सर ने कहा छोटी छोटी बातें चालू करना भाई, ट्राई टू गिव हर समथिंग ट्राई टू अप्रिशिएट, वो घर में क्या कुछ खाना बनाती है उसका अप्रिशिएशन करना, तो एवरीबडी तू अगर चाहता है कि तेरी प्रशंसा हो वैसे वो भी चाहते हैं कि दे हैव स्क्रूड देयर लाइफ इन विथ यू, और तू अगर थोड़ी कुछ उसकी प्रशंसा कर लेगा तेरे बाप का क्या जाता है, एंड दैट इज हाउ धीरे 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 ये जो आदत बन गई ना दोस्तों, तो दैट प्रेजिंग अदर पीपल फॉर देयर गुडनेस इन माई लाइफ, या तो उनके साथ के मेरे व्यवहार के अंदर उन्होंने मुझे समझने की जो कोशिश की है, मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि ट्राई टू डू द सेम थिंग विद दैट, और जब ये करते गए तो वो स्वार्थ जो था ना वो स्वार्थ का जो एलिमेंट था वो धीरे धीरे निकलने गया, मेरे स्पॉन्सर ने दूसरी बात मुझे कही कि जब भी कोई भी रिश्ते सुधारने हैं तो उसके अंदर जो तूने लिखा है चौथी तो बारे में वो ठीक है, मगर जब माफी मांगने की जब बात आती है तो एट दैट टाइम रिमेंबर दैट यू आर नॉट ब्लेमिंग दैम, कुछ भी उनको ब्लेम करके माफी नहीं मांग सकते तुम, यू हैव टू पुट द ब्लेम ऑन योर सेल्फ, दूसरी बात उनके साथ एपिसोड टू एपिसोड, फॉर एग्जाम्पल मैंने समझो मेरी शादी की बात करता हूँ तो पहले मैंने शराब पी के फुल मेरा हनीमून मुझे याद ही नहीं है, तो क्या किया था मालूम नहीं, तो जो याद है वो बोला मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि शादी का तो रिसेप्शन याद है ना, बोला हाँ रिसेप्शन याद हो उसका एपिसोड टू एपिसोड बात कर और उसको पकड़ के उसके पैर पकड़ के माफी मांग जब तुम दोनों एक हो गए तो,
और तेरे को लगता है कि तेरा बेटे के सामने भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डू इट। और ये करना ऐसा बोलना अच्छा है मगर करना बहुत डिफिकल्ट था। 2 days back yesterday only, आज मेरी फर्स्ट वाइफ से मेरा डाइवर्स हो गया है बिकॉज ऑफ माई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसके बारे में मुझे शर्म नहीं है बात करने की, मगर मेरा विषय वो अभी इतना नहीं है। वो स्वार्थी पने की वजह से ही होता है वो, बट मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट में उसमें थे, वो इंस्टिंक्ट की जो थर्ड इंस्टिंक्ट है उसके बारे में है। वो करूंगा अगर वक्त मुझे परमिशन देता है तो। मगर ये जो है ना, उसके साथ के जो मेरे रिलेशन के बारे में जो बात थी ना दोस्तों, तो थोड़ा मेरा लिंक निकल गया। मैंने बात करी कि उसके साथ, हाँ एपिसोड टू एपिसोड माफी मांगने की जो बात है वो मैंने उसके साथ करने की कोशिश की, जिसके तरह से मैंने लिखा था। और उसकी वजह से मैं अपना 1976 में मेरी 78 में शादी हुई थी, इट वेंट ऑन टिल 99, और 99 तक मेरी जिंदगी में उसके साथ मेरे अच्छे रिलेशन बने थे, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थे। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट हर मैटरनल आंटी, उसका कल ही देहांत हो गया, नाउ शी ऑल्सो विल बी कंसिडर्ड एज एक्स मैटरनल आंटी। और मुझे उनकी मृत्यु की खबर पता चला अभी, मैं तो अभी 34th ईयर में हूँ, तो ठीक है पता चला तो मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं है कभी तो वो मेरी एक्स है, मेरे को क्या करना है उसके बारे में, उसके मैसेज भेजने का ये सब विचार। हाँ मुझे ऐसा लगा कि अभी नहीं करूंगा तो भी चलेगा, मगर बोला नहीं, व्हाई शुड आई नॉट डू, व्हाई शुड आई नॉट टेक दैट चांस, मुझे ऊपर वाले ने एक मौका दिया है तो क्यों ना करूँ। तो उसकी बेटी है जो मेरी साली, तो उसको मैंने मैसेज भेजा, फोन किया तो शी कुड नॉट पिक अप, मैसेज भेजा उसको मैंने, आई एम वेरी सॉरी टू हियर द डेथ ऑफ योर मदर। अभी वो जो मदर थी ना मैटरनल आंटी, वो मेरी जब एंगेजमेंट हो गई तो मैं दारू पी के उसको फोन करता था, और वो वाइफ को जब फोन उठाती थी तो मैं बोलता कैसा है क्या चल रहा है, चलो आज इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे। फिर मेरा एक डायलॉग रहता था, बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली इन बॉम्बे, तो डायलॉग रहता था मेरा कि तुम तो बड़े लोग हो, तुम क्या, तुम तो ट्रेन में क्यों आओगे, तुम तो टैक्सी से आ सकते हो, ये वो सब। तो दिस वॉज एवरी डे डायलॉग मैं फोन करता था, तो मेरी वाइफ बेचारी बोलती नहीं तो प्रेड अप हो गई होगी, तो उसने ये मेटरल आंटी को बोला होगा कि ये हमेशा ऐसे ऐसे बात करता है। तो वो आंटी ने उसकी एक बार फोन उठाया और वो आउटस्पोकन थी, तो उसने मुझे बोल दिया, बोला देखो उमेश भाई एक बात, तुम्हारी कंडीशन क्या है ये सब हमने देखा है, हमने तो मेरी हमारी लड़की को तुम पसंद आए तो इतना ही हमने देखा और कुछ नहीं, तुम वन रूम हॉल किचन में रहते हो या कुछ भी हो, मगर हमने कभी ये सब बातों को देख के नहीं किया है। और हर रोज आप अगर आपको लगता है कि पैसे वाले के खानदान में शादी की है आप करने वाले हो, तो फिर ये सोचना था क्यों रोज रोज ये सुना रहे हो, और बेवड़ा और क्या करेगा, बेवड़े को ईगो हर्ट हो जाता है तो रिजेंटमेंट हो जाएगा, एंड दैट टर्न इन टू रिजेंटमेंट। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि ये इसके साथ पहला तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा रिजेंटमेंट उसके साथ है, तो उसके साथ तुम्हारा रिलेशन भी पहले बनाओ। तो ये पर्पसफुल लाइफ, पर्पसफुल यानी उसको अभी पता चलना चाहिए कि वो जो था वो शराब पीने के टाइम था। तो मेरे बोला क्या करना है, तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि वो तेरा बहुत बड़ा ससुराल में तू बड़ा बड़ा सन इन लॉ है, हाँ तो एक काम कर, अभी ससुराल में तो वहां 3-4 तो सर्वेंट थे, 2 ड्राइवर थे, नीचे 4 गाड़ियां रहती थी। बोला वो ससुराल अभी तू जाएगा ना घर में पानी भी देगे ना उन लोग, तो तू उठ के ले लेना, पानी भी उनसे नहीं लेना है, चाय पिएगा नाश्ता करेगा कुछ भी करेगा तो प्लेट और चाय का कप खुद उठा के किचन में डाल दे, खाना खाने के टाइम पे खुद तू थाली भी तू रख दे, बाकी के लोगों की भी थाली रख के जाओ, और ये मैं अनिल लो होके मेरे स्पॉन्सर मुझे कह रहे है ये सब तू कर। तो मैं बोला ये अनिल भाई क्या यार मेरा स्टेटस है, मैं जवाई हूँ वहां का सनील लो, क्या बात करते हो आप। बोला देख भाई मैं तो तुमको सजेस्ट करता हूँ, करना है तुम्हारी मर्जी, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, बट वो मैंने किया। उसने मेरी वाइफ को बोला कि ये करेगा उसको हंसना मत, घर वालों को बोल देना डोंट लव व्हाट ही इज डूइंग, और वो बेचारे सर्वेंट लोग ये वो सब भी देखने लगे, मैं उठा के प्लेट रखता हूँ, मैं उठा के चाय का ग्लास,
कब रखता हूँ, और वो भी सोचने लगे कि ये साला यहाँ किस तरह से बिहेव कर रहा है इस तरह से। और उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि मेरे ससुराल के अंदर उनको ये पता चला कि ये अल्कोहलिक अनॉनिमस के कार्यक्रम में ये हमारे सनी लो अच्छे तो थे ही थे, मगर आज ये जो कर रहे हैं वो बेटे के जैसा घर में वो अपना व्यवहार कर रहे हैं। और उसकी वजह से दोस्तों मेरे वो जो आंटी आज काल गुजर गए उनके साथ इतने अच्छे रिश्ते बन गए कि कुछ भी होगा, उसकी दो बेटियां थी, दो बेटियों दोनों ने लव मैरिज की है, मगर वो मुझे पूछते थे कि उमेश भाई इसके अंदर किस तरह से, बोला हमको प्यार से, हमारी बेटी ने अगर किसको प्यार किया है तो उसका प्यार है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, उसके साथ बात करो बुलाओ, और इस तरह से वो शादी है और दोनों शादी आज सक्सेसफुल है, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। और वो कल जो गुजरे गए ना तो आज मुझे पता चला ना, तो आई फेल सॉरी दिल से, मुझे अच्छा है इवन व्हेन आई एम शेयरिंग दिस मुझे वो थोड़ा फील हो रहा है इमोशनली कि थैंक गॉड कि ऊपर वाले ने मुझे ये औरत के साथ अपने रिश्ते बनाने का मौका दिया, एंड उसकी दोनों बेटियां इतने एडवर्स अभी सिचुएशन है, अभी मेरी तो डाइवर्स हो गए फिर भी वे दोनों बहनें हैं वो मेरे साथ आज भी रिलेशन रखती है दोस्तों। तो दिस इज व्हाट आई थिंक इज मेरे हिसाब से पर्पसफुल लाइफ की जो बात होती है, तो वो शायद मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें सेल्फिशनेस कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये एक बात हुई मेरे परिवार के अंदर किस तरह से। कुणाल जी टिल व्हाट टाइम आई एम सपोज टू बी टॉकिंग? हेलो हेलो 15 मिनट हेलो मोर सर, 15 मिनट7:45 मोर, सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो प्रॉब्लम। मैं सुनाई दे रहा है ना बरोबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बराबर है सर, बराबर है, हेलो बस थोड़ा सा ओके इको थैंक का यू, साउंड आ रहा है, पर बाकी ठीक। हाँ थैंक यू। ओके। तो ये हो गया, चलो मेरे परिवार का एक एमेंट की मैंने बात कर दी। अभी दूसरी बात, मैं द प्लेस ऑफ वर्क वेर आई हैव बीन वर्किंग वहाँ हाउ आई हैव बीन एबल टू वर्क माई सेल्फ वो मैं आपके सामने कोशिश करूंगा। एट द प्लेस ऑफ वर्क व्हाट वाज माय रिलेशन वो तो मैंने बता दिया कि कुछ काम किया नहीं, कुछ नहीं, खाली क्या बोलते हैं उसको, पगार खाया और कुछ नहीं। तो वहां की मैं आपको अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि अल्कोहलिक चार्ज में आने के बाद मुझे सर्विस का मौका मिला, और छोटी छोटी सर्विस से लेके मैं ट्रस्टी तक गया और रिटायर हो गया, रोटेट हो गया, वो बात अलग है, दैट फॉरगेट अबाउट इट। मैं वो सर्विस की वजह से इसका मेरी कंपनी में किस तरह से फायदा हुआ, तो मेरी कंपनी के अंदर दोस्तों मेरे जो यूनियन लीडर थे वो पहले से जानते थे मैं बहुत पीता था वो सब, बट एट द सेम टाइम उनको मेरी कुछ क्वालिटीज का पता होगा, तो जब मैं सोबर हो गया उनको पता चला 6 महीने 1 साल होने के बाद, तो ही स्टार्टेड मेकिंग मी यूजफुल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ एयर इंडिया एज वेल एज द यूनियन। तो यूनियन में खाली पगार बढ़ाओ वो मांगों के साथ ही यूनियन नहीं है, मेरा जो यूनियन लीडर था उसने अपने एम्प्लॉयज में जो कमिटी मेंबर या बोलते हैं उनकी कुछ उसकी जो क्वालिटीज थी वो उसने टैप की थी और उस तरफ से वो यूज करते थे। तो ही स्टार्टेड यूजिंग मी कि समझो फैमिली में किसका डेथ हो जाए तो हमारे यहाँ ऐसी थी एक प्रैक्टिस की भाई सबको एक कंडोलेंस मीटिंग रखेगी यूनियन की तरफ से, जिसमें हमारे ऑफिस के जनरल मैनेजर है वो रहेंगे, यूनियन के प्रतिनिधि रहेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है। तो माई यूनियन लीडर टोल्ड मी कि यूजी अभी आप एक काम करो, अगली जो कंडोलेंस मीटिंग है जो हमारा स्टाफ एक्सपायर हो गया है तो दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो व्हाई डोंट यू से अ फ्यू वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस इन गुजराती एंड इंग्लिश बोथ। तो तभी जो मेरे जनरल मैनेजर भी थे वो मीटिंग में, और मैंने जो कुछ कहना था मैंने किया, आई स्पोक फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स इन गुजराती एंड इंग्लिश, और जब वो सब करने के बाद उनके जो परिवार के सभ्य थे मीटिंग के बाद उसके डैडी सब गले मिले, बोले जैसे साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, उसकी आत्मा को शांति के लिए आपने ये सब आयोजित किया,
और मैंने कहा कि सर कुछ भी मदद की आपको जरूरत होगी तो जितना हो सकता है हम यूनियन की तरफ से हम जरूर करेंगे। और जब वो किया ना तो दोस्तों, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक दूसरे के दुख में शामिल होने का जो ये हमारा कार्यक्रम हमें सिखाता है ना, तो वो मुझे फीलिंग जो आई ना, और वो जनरल मैनेजर ने जब देखा तो जनरल मैनेजर ने हमारे यूनियन लीडर को पूछा कि बेटा ये जो अपना स्टाफ है वो जो आज बात कर रहा था तो वो कौन है और कौन से डिपार्टमेंट में क्या करता, तो उसने बताया ऐसा ऐसा है, वो सफरिंग फ्रॉम ड्रिंक अल्कोहल और अभी वो रिकवर हो गया है एंड ही इज डूइंग अ गुड वर्क फॉर अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो बाय दैट टाइम मैं जब सोबर हो गया और कुछ साल एयर इंडिया में हो गए तो ही वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मैकनास करके थे, तो जब उनको ये पता चला तो वो हमारे जो यूनियन लीडर थे तो उसको बोला कि एक काम कर कि अपने यहाँ अगर हमारा एक एम्प्लॉय अच्छा हो गया है, तो उसने यूनियन वाले ने प्रपोजल दिया लीडर ने कि वाई नॉट वी स्टार्ट ए मीटिंग इन एयर इंडिया, और एक मीटिंग हमारी चलती थी ओल्ड एयरपोर्ट जो हमारा इलाका था सांता क्रूज का वहां। तो उसने मेरे को बोला कि एमडी को मिलना है, तो मेरी तो फट गई, एमडी इतना बड़ा आदमी को, मैं साला फटीचर आदमी 24 घंटे दारू पी के ऑफिस में रहता था, उसको मिलने बुलाया तो वो बोला लीडर कि मैंने बात कर ली तू यू गो एंड टॉक, और लीडर खुद मेरे साथ नहीं आया। मैंने जैसे कहा जो जनरल रहती है एटिकेट वो तो थी, तो मैंने बोला सर गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड व्हाट कैन आई डू व्हेन इट कम्स टू द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अवर एयर इंडिया हु आर ऑल्सो हैविंग अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तुमको एक मेडिकल डायरेक्टर देता हूँ और आप अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग एयर इंडिया में एयरपोर्ट पे चालू करो, जो हमारा अभी बॉम्बे एयरपोर्ट है उधर। तो मैं बोला ओके सर आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस मगर आई मे हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम सम अदर पीपल। जब वो बोला तो वो बोले कि अरे बाप रे यू आर टेलिंग दैट यू अलोन कैन नॉट डू, और मैंने तो आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। बोला नहीं सर मैं अकेला नहीं कर सकता, आई एम हार्डली फॉर फ्यू इयर्स इन ए, मेरे सीनियर मेंबर थे उसके साथ में मैं करूंगा। तो बोला ठीक है नो प्रॉब्लम वी विल गिव द परमिशन एनीबडी हु वांट टू कम इनटू आवर मीटिंग। और उस तरह से दोस्तों एयर इंडिया में मेरे एमडी ने मुझे परमिशन दी और वो ही एमडी ने एयर इंडिया में हमारा 5 days week इंट्रोड्यूस हुआ 1994 में। तो आई एम वन ऑफ द साइनेटरी, ये बहुत बड़े रुआब से नहीं कहने वाली बात है, मगर जिसको निकाला जाना चाहिए था वो एम्प्लॉय को एयर इंडिया के अंदर 5 days week इंट्रोड्यूस हुआ। तो मेरे यूनियन लीडर ने मुझे कहा कि ये एग्रीमेंट आप साइन करोगे। तब ये सब करते हुए कहां भी मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा था कि वेन एवर यू आर डूइंग ग्रेट वर्क वेर एवर किधर भी करोगे ना यू विल नेवर यूज ए नेम अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से तुम्हारा खुद का फायदा कुछ नहीं करेगा। तो एंड दैट वॉज द रीजन दैट वॉट इज द पर्पजफुल लाइफ यूजफुल पर्पजफुल लाइफ, यानी क्या मैं खुद के लिए कुछ फायदा ना लूं और दूसरों को किस तरह से मैं मदद रूप हो सकता हूँ, किस लिए मेरा मकसद जिंदगी का जो है वो अभी शराब से दूर रह के दूसरों को मदद करने का, वो सिर्फ शराब के बारे में नहीं है। तो ये जो चीज है मेरी ऑफिस के अंदर हुई दोस्तों, और ऑफिस के अंदर जब ये सब चीज हुई, अभी तो मैं काफी साल से बॉम्बे से बाहर आ गया हूँ, मगर ये मेरी जो वीकनेस है ना दैट बिकेम स्ट्रेंथ। अभी दोस्तों एक चीज मैं जो मेरी नेगेटिव पॉइंट है फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगा इन ब्रीफ। नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि अल्कोहलिक में जो 12 पायरी की बातें करते हैं, कुछ दोस्त लोग बोलते हैं 21 दिन का कोर्स है, कुछ बोलते हैं 90 मीटिंग नहीं है, किधर लिखा है ये वो सब, प्लीज डोंट गो इनटू एनी ऑफ द कंट्रोवर्सी, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको जो ठीक लगे वो करो। मेरी 90 मीटिंग्स मैंने जब की तभी भी मैंने गिनती नहीं रखी थी, मगर बॉम्बे में उस टाइम के जो मेरे ओल्ड टाइमर्स थे उन लोगों ने मुझे जहां जहां गया मीटिंग में लेके गए, मेरे स्पॉन्सर मुझे मीटिंग में लेके गए, बाहर की मीटिंग कराई। और इसके अंदर जो एक चीज हुई वो एक तो मेरी सेल्फिशनेस धीरे धीरे कम होने लगी और साथ ही साथ में जो पर्पजफुल है ना, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि आई बिलोंग टू अ फेलोशिप। वो लोनलीनेस किधर चली गई दोस्तों, टचवुड आज तक वो लोनलीनेस का मुझे सामना नहीं करना पड़ा है। एंड अभी कुणाल 2 साल है ना, अभी वो जब आया था जिंक कॉर्बेट में तभी नया आया कौला बच्चा था, तो कौले बच्चे को और क्या करना है,
तो वो वहां जा हम सब पे हमारे साथ बैठाते थे, बुलाते थे उसको, वी ट्राई टू यूज मेक हिम कंफर्टेबल। मुझे याद नहीं मैंने उसको कुछ बारह पायरी के बारे में या बारह ट्रेडिशन के बारे में कुछ बताया होगा, बिकॉज हमारी जो बिग बुक है उसमें वो भी लिखा है बिल डब्ल्यू ने कि ले डाउन द स्पिरिचुअल टूल्स, ये जो आध्यात्मिक औजार है वो न्यू कमर के लिए उसको एग्जामिनेशन के लिए रखो, उसमें से उसको जो अच्छा लगता है उसके अंदर आप उसको वो सिलेक्ट करता है और वो प्रोसीजर के अंदर उसको मोटिवेट करने का काम करो। और मोटिवेट करने का काम यानी अनसेल्फिशनेस आती है, मोटिवेट करने का काम यानी मेरा पर्पस क्या है वो मुझे देखना पड़ता है, क्या मेरी कोई उम्मीदें है। ये अभी इसके आज आपके यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ इसके लिए कुरान का नाम लेके बात कर रहा हूँ, मगर कहाँ भी तो हाउ दिस थिंग यू हैपन, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ये बताया कि इस तरह से करना है दोस्त मेरे, प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल इन ऑल अवर अफेयर्स, यानी क्या आई हैव टू ऑलवेज सी टू इट दैट मेरी कोई भी स्वार्थीपना नहीं होना चाहिए, मेरा डिसऑनेस्ट मोटिव नहीं होना चाहिए, सेल्फ सीकिंग मेरी जो पर्सनालिटी है मेरे पे ही अटेंशन नहीं होना चाहिए, और ये परमानेंटली तो मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मगर एक दिन के हिसाब से मैं कोशिश करूँ तो क्यों नहीं होगा दोस्तों। और ये मैं आज तक कर रहा हूँ, मेरी 99 तक मैंने दोस्तों मेरे ये 12 पायरी कार्यक्रम हिसाब से एवरीथिंग आई हैव डन, एवरीथिंग यू आस्क फॉर इट एंड आई हैव डन, मेरे रिश्ते सब कुछ अच्छे हो गए थे, सब कुछ बराबर था, मगर ये जो फोर स्टेप में कहते हैं ना कि तीन इंस्टिंक्ट की बात आती है ना, मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट के ऊपर मुझे ऐसा लगा था क्योंकि वो टाइम पे आई हैड नेवर हैड एनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आई हैड नेवर हैड एनीथिंग लाइक गोइंग टू रेड लाइट एरिया, 99 की बात कर रहा हूँ मैं, आई हैड नथिंग लाइक कोई प्राइवेट मैम, लड़कियां मेरी बहुत फ्रेंड थी, कभी भी उसको मैं किसी के साथ सुलाने का अपने साथ या ऐसा कभी इजाजा नहीं रखा, तो आई थॉट दैट माई सेक्स इंस्टिंक्ट इज ओके। मगर शराब पीने के टाइम पे जो मेरे सेक्स इंस्टिंक्ट जो हेवायर हो गए थे, जिसका मुझे कभी मैंने उसकी इन्वेंट्री लेने का सोचा नहीं, मैंने जैसे कहा कि कैसे आज भी मुझे याद नहीं मेरा हनीमून कैसा हुआ, तो सेक्स इंस्टिंक्ट के अंदर सामने वाला जो कैरेक्टर रहता है उसकी भावनाओं को नहीं समझा, वो अगर दूसरी जगह पे चली जाती उसको हक था जाने का, तो ये सब बातें जब मैंने समझी नहीं और 99 में आई गॉट इनटू एन एक्सट्रामैरिटल अफेयर, और उसके अंदर जो स्नेक लेडर की जो गेम होती है ना, जो ऊपर तक जाने वाला आदमी वापस जीरो पे आ जाता है, और वैसे मैं भी जीरो पे आ गया था दोस्तों, दैट वॉज इन 99। और 99 से लेके आज तक मैं हैव 14 साल 99 till 2015, यानी 16 साल दोस्तों मैं अकेला रहा हूँ, आई हैव लिव्ड इन लाइफ अलोन। मेरे डाइवोर्स हुए, मेरा लड़का आज मेरे साथ नहीं है, जो भी कुछ उसके अंदर जो सेटल होना था वो भी एमिकेबल सेटलमेंट करके, कभी भी मैंने ब्लेमिंग अदर एटीट्यूड नहीं रखा, मेरी परिस्थिति फाइनेंशियल इतनी अच्छी नहीं थी और नहीं है, फिर भी मेरी मदर ने जो भी कुछ विल रखा तो वो विल के हिसाब से मैंने एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया, पैसे के हिसाब से कभी भी मैंने अपेक्षा नहीं रखी मेरे फादर की प्रॉपर्टी के अंदर, और वो प्रॉपर्टी का जो डिविजन हो गया उसमें से मेरा पूरा हिस्सा चला गया ये सेटलमेंट के अंदर, और बाद में मुझे पता चला कि मेरे ही घर के नजदीकी रिश्तेदार ने जो दूसरा हिस्सा मेरी मदर ने लिखा था वो हिस्सा उन्होंने भी वो मेरे घर में लड़के को दे दिया, उनको पता होते हुए कि अपने भाई के पास इतनी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो थोड़ा लगा, झटका जरूर लगा, मगर बाद में मैंने सोचा कि वॉट एवर, आज जो मेरा बॉम्बे का घर है इट इज गॉन टू माई सन ओनली, और उसमें भी अच्छी बातें होती भी है नहीं भी होती है, वो बच्चा 2 साल का हो गया मेरा ग्रैंडसन, मगर मेरे नसीब में नहीं है उसके साथ एक ग्रैंडफादर के साथ में घूमने का या उसको देखने को जाने का, ये मेरे नसीब में नहीं है, नॉट दैट दे आर फीलिंग दैट यू डोंट कम, मगर मैंने मर्यादा रखी है, आई हैव लॉस्ट, मैंने मेरे एक ही लड़का है मेरा, उसकी शादी में मेरे को बुलाया नहीं था, यानी कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व बाई देम, शादी के अंदर मुझे खाली रिसेप्शन में बुलाया था, और ये जो बातें मैं कहता हूँ ये मैंने डाइजेस्ट की है, मैंने सहन की है, जब याद आती है बातें करता हूँ तो याद आती है, बट एट द सेम टाइम आई कैन टुडे टॉक विद माय सन, मेरी जो डॉटर इन लॉ है, और डॉटर इन लॉ मेरी जब पहली बार उसका मिला उस, पता नहीं मेरे बेटे ने उसको सब बताया होगा या नहीं, मगर तब बॉम्बे में था, और वो बॉम्बे में जब मुझे वो एक मीटिंग में मिली
और वो मीटिंग खत्म होने के बाद अब 150 मेंबर्स वर देयर आउटसाइड, उन सब लोगों के सामने वो मुझे पैर पड़ी, तो मैं उसके लायक नहीं हूँ आज भी दोस्तों, मगर दिस थिंग्स हैपन। वो डॉक्टर इन लॉ अभी भी मेरे को बीच में मैसेज आया कि डैडी पापा जी बोलती वो, अला मैं पापा जी और ये एड्रेस वो करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ लगता है, या ना हकीकत है ये, मैंने जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो ठीक है, बट सी अंडरस्टैंड सी सेड दैट मैं आई ऑलवेज ट्राई टू प्रे फॉर यू, आई ऑलवेज नो दैट वेर यू स्टैंड, आई ऑलवेज नो दैट फ्रॉम माई साइड आई हैव ट्राइड टू डू एवरीथिंग, बट वो सब होने के बावजूद भी दोस्तों आज भी जो भी कुछ उसके साथ जो मेरे रिश्ते हैं, तो उसको बोलता हूँ मैं प्लीज बिट्टू के मैंने मेरे ग्रैंड सन के फोटोग्राफ ये सब भेज दे, हमारे कुछ ए मेंबर को पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, तो आई कुड जस्ट गाइड हिम कि भैया हमारे यहाँ एक ऐसे मेंबर है शायद आपकी जिंदगी टूटने से बचता है, और ऐसी ऐसी बातें जब होती है ना, तो वो जो कहते हैं ना लाइफ विल टेक ऑन अ न्यू मीनिंग, ये गलतियां मैंने की है, ये मैं उमेश हूँ, और ये करने से मुझे ये बातें करने से मेरा एक ही मकसद है कि मेरे दूसरे भाई ये जो हमारी थर्ड इंस्टिंक्ट के हिसाब से उसमें गिरे भी नहीं, और ये मत सोचे कि इन लोगों ने उमेश भाई ने मजा करने के बाद ये सब बात कर रहे हैं, हमारे तो अभी जवानी है नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, ये ख्याल मत रहना, वो पेन है ना, मेरे एक के दोस्त लोग बोलते हैं कि उमेश भाई वी आर रियली सरप्राइज कि तुमने कैसे दारू नहीं पिया, शायद वो टचवुड मेरे ऊपर वाले का, मेरे भाई का, मेरे स्पॉन्सर का जो कुछ मुझे हेल्प मिली है उसके जरिए है, और आज जो दोस्तों के साथ मेरे अल्कोहलिक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट है, ये मेरा परिवार मानता हूँ दोस्तों, और ये परिवार की गिनती मेरे ब्लड लाइफ से रिलेशन है उससे भी ज्यादा गिनता हूँ, ये नहीं कि उसका मतलब कि मेरे जो फैमिली रिलेशन है वो सब रिलेटिव का रिश्ता मेरे उनसे कम है, बट माई प्रायोरिटी ऑलवेज इज विद अल्कोहलिक एनोनिमस, मेरी पत्नी अभी मेरा आई गॉट रिमेरिड, मेरी पत्नी बोलती है इफ इट कम टू चूज बिटवीन अल्कोहलिक एनोनिमस एंड मी व्हाट यू विल डू, मैं बोला पहले ये चूज करूंगा, ए की वजह से तुम मिले हो, तो बोला मेरी प्रायोरिटी बोला आपकी प्रायोरिटी सेम जो ए की प्रायोरिटी मेरी है, तो ये सब चीजें दोस्तों करता हूँ, आज कुणाल भाई और आप सब दोस्तों ने मुझे आपके ग्रुप में आप बुलाया, मेरे अनुभव के जरिए मैंने जो कुछ कह सकता वो कहने की कोशिश की, जब ऐसी बातें करता हूँ तो वो इमोशनल टच आ जाता है मेरे शेयरिंग में, बट दैट इज व्हाट आई एम एज एन उमेश, तो आपने सबने सुना, कुछ गलतियां होगी तो मुझे आप जरूर मैसेज करके कह सकते हैं, तो आई कैन ट्राई एंड इम्प्रूव अपॉन इट, थैंक यू ऑल, थैंक यू कुणाल फॉर इन्वाइटिंग मी एंड थैंक हैविंग यू गिवन मी ए पेशेंट हियरिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।